एसोसिएशन खुराओं के अधिवक्तागण आर पार लड़ाई के मूड में। तहसीलदार के स्थानांतरण तक अनवरतनीय कार्य से विरत रहेंगे, अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने कहा। खबर कोराव प्रयागराज की। बता दें कि इस समय तहसील कोराव प्रयागराज में तहसीलदार की मनमानी को लेकर अधिवक्ता एवं आमजन नाराज और तहसीलदार के तत्काल स्थानांतरण होने तक न्याय कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। इस संदर्भ में बार एसोसिएशन कोराव के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देते हुए तत्काल तहसीलदार को अन्यत्र हटाए जाने की मांग की है, जिस पर डीएम प्रयागराज ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन अधिवक्ताओं को दिया है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार विशाल कुमार शर्मा जब से तहसील कोराव में आए हैं तब से सिस्टम गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। अधिवक्ताओं और नागरिकों का आरोप है कि सुविधा शुल्क के बिना तहसीलदार द्वारा जनता का कोई भी कार्य नहीं किया जाता और पैसे के ही बल पर गलत सलत एक पक्ष से एक पक्ष को परेशान करने का कार्य किया जाता है, जिससे लोगों में नाराजगी है। इसके पूर्व भी अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा गया था और तहसीलदार ने अधिवक्ताओं से क्षमा मांगा था कि अब भविष्य में हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अधिवक्ताओं का अपमान हो। इसके बावजूद भी तहसीलदार में कोई भी सुधार नहीं दिखा, जिससे अधिवक्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बोर्ड के सचिव और समस्त सक्षम अधिकारियों तक तहसीलदार कोराव के खिलाफ पत्र व्यवहार किया गया है और तत्काल अयंत्र हटाने की मांग किया है। बार एसोसिएशन कोराव के अध्यक्ष उमाकांत त्रिपाठी एवं महामंत्री कैलाश सिंह पटेल ने बताया कि जब तक तहसीलदार को हटाया नहीं जाता तब तक अधिवक्ता गण न्याय कार्य से विरत रहेंगे। आज महीनों से तहसीलदार कोराव विशाल कुमार शर्मा के कुछ कार्य प्रणाली से, उनके कुछ नए सिस्टम से वादकारी अधिवक्ता गण सब असंतुष्ट हैं और न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब बार एसोसिएशन किस स्तर पर पहुंचा है, मतलब ये यहाँ से इनकी रवैया सुधरेगी, इनको हटाया जाएगा या नहीं, या न्यायिक कार्य से विरत निरंतर चलते रहेंगे या समाप्त होगा, इस पर कुछ आप जानकारी दें। तहसीलदार साहब नियुक्तियों के संबंध में माननीय जिलाधिकारी मंडल से हमने वार्ता की है, सप्लाई से वार्ता की है और माननीय मंडलायुक्त महोदय को मैंने शिकायती पत्र भेजा है, मुख्य सचिव को भेजा है, सबकी जांच चल रही है और जैसा कि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा भी है कि ये वहाँ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं उनको एडजस्ट किया जाए, बहुत जल्द परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इनका चित्र वास्तव में गंदा ही रहा, सिस्टम इनका चल ही रहा है, सिस्टम का मतलब यही है, सिस्टम से पैसा लेना, सिस्टम गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, हाँ सिस्टम गुरु यही है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ी है और सफलता भी मिलेगी। पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।